नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना के 16 प्रखंड आए रेड जोन में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। अब होम आइसोलेशन वालों को भी मुहैया कराए जाएंगे ऑक्सीजन। जल्द ही शिक्षकों के खाते में आएगी वेतन की राशि। पटना का IGIMS बनेगा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पटना के 16 प्रखंड आए रेड जोन में। पटना जिले में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले के 23 प्रखंडों में से 16 प्रखंडों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके तहत इन 16 प्रखंडों को रेड जोन के अंदर रखा गया है। वहीं पंडारक और पुनपुन भी रेड जोन की तरफ बढ़ा है। इसके अलावा दानापुर और बाढ़ प्रखंडों में बीते 4 दिनों में कोरोना संक्रमितों के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके तहत दूसरे स्थान पर दानापुर प्रखंड ने फुलवारी शरीफ की जगह ली है। वही जिले में तीसरे स्थान पर बाढ़ प्रखंड है, जहां संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इधर पटना सदर संक्रमण के मामले में शुरू से ही नंबर एक पर रहा है। यहां फिलहाल 11,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था और क्वारंटीन सेंटरों में कमी होने के कारण भी संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। RJD के युवा विधायक ने दिया कोरोना फंड के लिए 50 लाख रुपए। एक तरफ बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ RJD के ही एक युवा विधायक ने कोरोना से जंग लड़ने में सरकारी फंड से 50 लाख देने का ऐलान किया है। इसके तहत वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश रोशन ने बड़ी पहल की है। RJD विधायक मुकेश रोशन ने वैशाली DM उदिता सिंह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने 50 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने का ऐलान किया है। ये राशि उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोविड से लड़ने के लिए विधायक फंड से दिए हैं, जिसके तहत वैशाली जिले में कोरोना मरीजों का सुचारू रूप से इलाज के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 वेंटिलेटर मशीन, 25 ICU बेड, 1 एम्बुलेंस और 25 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने की बात कही गई है। प्राइवेट अस्पताल में बिना आदेश के हो रहा था संक्रमित मरीजों का इलाज। राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल द्वारा नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल भागवत नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ओम पाटलिपुत्रा ने पहले कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कर लिया, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं होने की बात कहकर मंगलवार को एक साथ 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे मरीज के परिजन काफी ही परेशान हो गए। जिसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी गई और मामले की छानबीन करने में पता चला कि अस्पताल को कोविड मरीजों के उपचार की अनुमति ही नहीं है। इसके बावजूद भी मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा था, जो आदेश का उल्लंघन है। इसके तहत जिला प्रशासन ने ADM की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर इस मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत आज अस्पताल की जांच की जाएगी। अब होम आइसोलेशन वालों को भी मुहैया कराए जाएंगे ऑक्सीजन। पटना हाईकोर्ट में कोरोना इलाज की जांच और राज्य में इसके लिए इलाज की सुविधाओं के मद्देनजर अब रोज ही सुनवाई की जाएगी। इसके तहत कोर्ट सभी लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। इसके तहत बीते दिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि अस्पतालों के साथ साथ होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर पेशेंट को भी सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराए। इसके लिए ऑक्सीजन कोटा का पूरा उठाव सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ ही पटना एम्स के डॉक्टरों की अगुवाई में गठित एक 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी को हाईकोर्ट ने पटना के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड की व्यवस्था और रोजाना कितने कोविड टेस्ट हुए हैं, इन सब का डे टू डे आंकड़ा लेने का प्रभाव दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा गया है कि पटना के सभी कोविड अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दें कि वो इस 3 सदस्यीय कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। जल्द ही शिक्षकों के खाते में आएगी वेतन की राशि। राज्य के सभी जिला परिषद व विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को जल्द ही उनका वेतन मिल जाएगा। इसके तहत वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने राशि को जारी कर दिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए 20,43,97,94,828 रुपये की स्वीकृति दी गई है। आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2021 से मूल वेतन में 15% वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। वहीं फिलहाल विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इसके लिए विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश जारी किए जाने तक पहले से निर्धारित वेतन ही मिलेंगे। पटना का IGIMS बनेगा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित IGIMS को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। बताते चले कि पहले से भी IGIMS में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन अब इस अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। इससे पहले बीते दिनों
मुख्यमंत्री ने IGIMS में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की थी, जिस वक्त अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए केवल 100 बेड थे, जिसके बाद विपक्ष ने भी मुफ्त इलाज की घोषणा पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब CM नीतीश ने पूरे अस्पताल को ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में बदलने का निर्देश दिया है, जहाँ पर मुफ्त में इलाज किया जाएगा। राज्य में घट रही है वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या। सूबे में अधिकांश जिलों सहित राजधानी पटना में भी कोरोना वैक्सीनेशन के ग्राफ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पटना में बीते दिन मात्र 8076 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है, जिसमें से 5173 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज और 2903 लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। वहीं इस दौरान टीका लगवाने में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग की संख्या ज्यादा रही। दूसरी तरफ टीका लेने वालों की घटती संख्या सरकार की भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस दौरान पटना के कुम्हरारा विधानसभा भाजपा पटना महानगर की एक वर्चुअल बैठक आयोजित कर विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचाव के लिए अपने आसपास मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाने, लोगों से मास्क पहनने, 2 गज दूरी का पालन करने, हैंड सैनिटाइजेशन के साथ ही 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण में 18 वर्ष से लेकर उसके ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन में मदद करने को लेकर आह्वान किया है। किशनगंज और सुपौल जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके आज सुबह 7:55 के करीब असम में 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों ने बिहार के भी कई जिलों को हिलाकर रख दिया है। इस क्रम में किशनगंज और सुपौल जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद सुबह सुबह लोगों के बीच हड़कंप समझ गया। लोग वाक डर कर अपने अपने घरों से निकलने लगे। किशनगंज में जिला मुख्यालय सहित कई प्रखंडों में झटके को महसूस किया गया। प्रखंड क्षेत्र के टेराघाच, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, दिगल बैंक में भूकंप का असर रहा। वहीं सुपौल जिले के भी त्रिवेणीगंज प्रखंड सहित कई प्रखंडों में इन झटकों को महसूस किया गया। आपको बताते चले कि असम के सोनितपुर में भूकंप का केंद्र रहा था, जिसके कारण असम, बिहार समेत उत्तरी बंगाल में भी इसका असर देखने को मिला। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे महर्षि मेही परमहंस के बारे में। बिहार में जन्मे सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1885 में मधेपुरा जिले के खोखसी श्याम गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के काव्यधारक के प्रवर्तक थे। उनके लेखन आधुनिक विद्वानों के साहित्यों में मिला करते हैं। इन्होंने सामाजिक भेड़िया धसान भक्ति की निंदा की। वहीं महर्षि मेही ने सत्संग योग की रचना कर यह सिद्ध कर दिया कि सभी पहुंचे हुए संतों एवं वैदिक धर्मावलंबियों की विचारधारा एक ही है। अंतिम समय तक ये संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार करते रहे। महर्षि मेही ने कई ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें सत्संग योग सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। मरीज की मौत के बाद NMCH में हुआ जमकर हंगामा। पटना के NMCH में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों द्वारा बवाल मचाने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल तोड़फोड़ की यह घटना आज सुबह 4 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार यहां कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे परिजनों ने इस दौरान न सिर्फ फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि डॉक्टर के चैंबर को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, परिजनों ने यहां मंगाई गई ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अस्पताल के परिसर में फेंक दिया। आपको बता दें कि NMCH में लगातार परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट और हंगामे की खबर सामने आ रही है, और इसके लिए परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने की स्कूल फीस सहित अन्य फीस माफ करने की मांग। बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजय शर्मा ने सरकार से लॉकडाउन लगाने की जगह पर स्कूल फीस सहित बिजली पानी के बिल को माफ करने की मांग की है। ईटीवी भारत को दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 2020 से लेकर अभी तक के सभी बिजली पानी होल्डिंग टैक्स और स्कूल फीस सरकार को माफ कर देने चाहिए। लॉकडाउन के कारण और वर्तमान में लगे नाइट कर्फ्यू और बंदी के कारण लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, रोजगार ठप हो गए हैं और कमाई भी नहीं हो पा रही है। इसलिए अब केंद्र और राज्य सरकार को गरीब सहित सभी लोगों के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूल शुल्क माफ करने की घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों तक राशन मुफ्त में पहुंचाने की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बीते दिन मंगलवार को अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई लेवल बैठक की। CM की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 4 बजे से 5 घंटों तक लगातार चली, जिसमें सभी 38 जिलों के DM ने अपने अपने जिलों की स्थिति की जानकारियां CM को दी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को लोगों के मूवमेंट को कम करने को लेकर सक्रिय रहने को कहा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को हर एक दिन के बाद जिले की स्थिति का जायजा लेते रहने का निर्देश दिया है। बैठक में पटना के IGIMS को डेडिकेटेड अस्पताल में बदलने का भी निर्देश दिया गया और वहां इलाज में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई अपनाने की भी बात कही गई।
आज से शुरू हुआ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका का रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगवाने की मंजूरी देने के बाद आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पांचवे चरण में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 18 साल के ऊपर सभी लोग आज से कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इच्छुक लोगों को कोविन ऐप पर या फिर kovin.gov.in वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के लिए पहले आपको ऐप या फिर वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर फीड करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP को वेरीफाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर लैंड करेंगे, जहां आप जानकारी भरने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर पेंशन की पासबुक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ID प्रूफ का नंबर, अपना नाम, जेंडर और जन्म तिथि भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप पसंदीदा वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। इसके बाद आपको टीका लगवाने की तिथि और समय की जानकारी मिल जाएगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच आज होगा IPL मैच। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस सीजन का पहला मैच खेला जाना है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका असर लॉकडाउन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सहित सभी जगहों पर दर्शकों के आने पर रोक लगी है। आज का मैच रोमांचक से भरा रहेगा, क्योंकि एक तरफ पिछले 4 मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज करने वाली चेन्नई की टीम है, तो वहीं दूसरी तरफ SRH है, जो कि तालिका में सबसे नीचे पायदान पर है। डेविड वार्नर की कप्तानी में हैदराबाद ने पिछले 5 मुकाबलों में 4 मैच हारा है और सिर्फ 1 में जीत दर्ज की है। यहां खास बात यह देखने को मिलने वाली है कि चेन्नई और हैदराबाद दोनों ही टीमें आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहली बार खेलने उतरेंगी। देश भर में 24 घंटे में नए मामले हुए 3.5 लाख के पार। देश भर में बीते 24 घंटे में एक बार फिर बड़ा आंकड़ा आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान मौत का आंकड़ा भी 3,000 के पार चला गया है। बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 3,293 लोगों ने कोरोना बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,79,97,260 पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना के अभी 29,78,709 एक्टिव मरीज हैं और 1,48,17,371 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें, तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 12,604 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या 94,275 हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 7,904 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। बिहार में रिकवरी रेट घटकर 77.43% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज शाम खेले जाने वाले IPL के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।